मोदी जी, दो दो स्टेट्स अहम हैं इस चुनाव में, एक है कर्नाटका और एक है महाराष्ट्र। कर्नाटका जहां पे अभी आपकी हार हुई थी विधानसभा के चुनाव में, और महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि वहां पर एक अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है, तीन पार्टियां, दो पार्टियां टूटी हैं। मेरे दो साथी मेरे साथ हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्नाटका से। तो हरिप्रसाद जी जो हमारे वहाँ के एडिटर हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हरिप्रसाद जी, स्वागत है आपका। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇಹಾ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬೈ ಫಯಾಜ್. ಇವನ್ ಜಿ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಜಿ ರಶ್ ಟು ಹರ್ ಹೌಸ್. ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಸೋಚ್ ರೇ, ಏ ಅಭಿ ಏ ಫೋಕಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೋ ರಹೇ ಕ್ಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾ ಚುನಾವ್ ಕಾ ಫೋಕಸ್ ಐಸೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೋ ರಹೇ? देखिए, नड्डा जी का कार्यक्रम वहाँ चल रहा था और इतनी बड़ी घटना घटी थी, और ऐसी चीज़ों में हमें वो किस दल के थे, वो कांग्रेस के थे, उसकी बेटी की हत्या हो गई तो हमारा क्या, ये हमारे संस्कार नहीं है, नहीं हमारी सोच है, और एक मानवीय संवेदना का विषय है। और मैं मानता हूँ कि अच्छा हुआ अध्यक्ष जी ने इतनी चुनाव की आपाधापी में भी उनके सांत्वना देने का प्रयास किया है। ये पूरी तरह मानवीय व्यवहार है। मैं भी अब मुझे मैं बताता हूँ कि शायद कौन सा चुनाव है मुझे याद नहीं है, लेकिन राहुल जी का कहीं पर हवाई जहाज़ में कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे पता चला, तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, भाई आपको कुछ दिक्कत हुई है, क्या हुआ है? ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और दमन में मैडम सोनिया जी, फिर हमारे अहमद पटेल सर, वो सारे लोग, उनका हेलीकॉप्टर एकदम से क्रैश कर गया। मुझे पता चला, मैंने तुरंत फ़ोन किया। मैंने कहा, मैं यहाँ से आपको एयर एम्बुलेंस भेजता हूँ। तो अहमद भाई ने मुझे कहा, नहीं अभी बिल्कुल हम लोग सलामत हैं, ये बात ठीक है, हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ है लेकिन हमें कुछ तकलीफ नहीं हुई है। एक बार सोनिया जी काशी गई थी इलेक्शन कैंपेन में, और वहाँ उनको तबीयत एकदम ख़राब हो गई, तो मैंने तुरंत यहाँ से सबको भेजा। मैंने कहा, भाई देखो क्या मामला है, या तो हवाई जहाज दो उनको। तो ये एक तो मेरे संस्कार भी हैं, और मैं मानता हूँ कि ये राजनीति से परे होते हैं चीज़ें। तो मेरे लिए किसी का भी किसी भी परिवार में आपत्ति आ जाए, ये हमारा राजनीति से ऊपर उठ करके ही व्यवहार होना चाहिए। Regarding the guarantee schemes in Karnataka, Congress promised 5 guarantees and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more in the last election, you lost the only 66 seats. You able to win there, BJP able to win there. Now again, Yediyurappa ji's leadership or uska beta ka leadership mein ज़्यादा फोकस हो रहा है, इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी का अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है नंबर वन? यस, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बड़ा है, लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है, शपथ हुआ है सीएम का लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा।
मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भी हम इन इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ्स एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि, कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब बता, कोई सोच सकता है, जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसे परिचित है, टैंक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते इसको टैंकर हब बना दिया, और टैंकर में भी माफिया सही चल रही है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी, यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे। अच्छा, डेप्टी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं, वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। द सेकेंड फेज सिलेक्शन ऑफ कर्नाटका, दैट्स द इन नेशन इट्स द थर्ड फेज, बट फॉर अस इन कर्नाटका इट्स द सेकेंड फेज सिलेक्शन फॉर 14 सीट्स। दैट्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका मेजरली ड्रॉट हिट प्लेसेस आते हैं। नाउ रिगार्डिंग दिस ड्रॉट बारे में ऑलरेडी कांग्रेस इज क्लेम दैट वी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज फोर्स टू गिव अ राइटफुल कॉम्पनसेशन, व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए, सिद्धारामैया की जब पुरानी सरकार थी और वहाँ ड्राउट था उस समय, मैंने खुद के ने उनकी पूरी टीम को यहाँ बुलाया था। एज अ प्राइम मिनिस्टर मैंने उस उनकी टर्म में इनको बुलाया था, बैठ करके मैंने कहा भाई पहले हम जल संचय की योजना हमें बनानी चाहिए। अब जहाँ तक स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सवाल है, हमारी सरकार ने पहले ही जो केंद्र का हिस्सा होता है वो उनके यहाँ बैंक के खाते में जमा करके दे दिया हुआ है जी। हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम, उसने भी प्रभावित क्षेत्रों में जो नियम है, पद्धति वो जो हमने नहीं बनाई, कई दशकों से है, उसके अनुसार वो टीम वहाँ गई है, जाकर के उसने सर्वे किया है। और हर बार ऐसा होता है, जैसे मेरे यहाँ गुजरात में भूकंप हुआ तो मैंने एक मेमोरेंडम भेजा, भारत सरकार ने एक टीम भेजी, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने हिसाब किताब लगाया। अब ये सारी प्रोसेस चल रही, आचार संहिता आ गई, तो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई हमारे सामने ये विषय है, हम इसको जैसे ही आप परमिशन देंगे हम देना चाहते हैं। NDRF के तहत अब राशि रिलीज भी कर चुके हैं उस नियम के अंतर्गत,